नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है। तीसरी बार केंद्र में काबिज होने की तैयारियों में जुटी भाजपा अपने सपनों को साकार करने के लिए उन 14 लोकसभा सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो उसके कब्जे से नहीं है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भाजपा ने तैयार किया मास्टर प्लान, यूपी की 14 हारी सीटों को जीतने की तैयारी। हारी हुई लोकसभा सीटों की पार्टी करेगी मजबूत किलेबंदी। 4 मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पिछले लोकसभा चुनाव में समूचे विपक्ष ने जीती थी 16 सीटें। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। तीसरी बार केंद्र में काबिज होने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने सपने को साकार करने के लिए उन सभी लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है जो उसकी गिरफ्त से दूर है। पार्टी प्रदेश की उन 14 लोकसभा सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो उसके कब्जे में नहीं है। दरअसल भाजपा इन 14 सीटों पर फोकस बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों के प्रवास के कार्यक्रम बढ़ेंगे। फिलहाल पार्टी का मकसद 14 सीटों की कमजोर कड़ियों पर मंथन कर उन्हें चिन्हित करके उन्हें दूर करना है और पार्टी की जीत के लिए मजबूत किलाबंदी करना है। लोकसभा की इन 14 सीटों को लेकर भाजपा इतनी ज्यादा गंभीर है कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद वो 20 जनवरी को गाजीपुर जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसी हफ्ते के आखिर में श्रावस्ती और अंबेडकर नगर के प्रवास पर आ रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 27, 28 और 29 जनवरी को लालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। गाजीपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और लालगंज सीटें इन 14 सीटों में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह का प्रदेश पैच। अमित शाह का प्रदेश आगमन ये संकेत है कि लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटों वाले यूपी में क्लीन स्वीप करना पार्टी का बड़ा लक्ष्य है, जिसके केंद्र में हारी हुई 14 सीटें हैं। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल एस ने 2 मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें जीती थी। बची हुई 16 सीटें बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में गई थी। तो वहीं उपचुनाव में भी भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें सपा से छीन ली है और 14 सीटें अब भी पार्टी की गिरफ्त से बाहर हैं। इनमें से बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज बसपा के कब्जे में है। संभल, मुरादाबाद और मैनपुरी सीटें सपा के पास हैं, जबकि रायबरेली की सीट पर कांग्रेस की सत्ता कायम है। ऐसे में इन 16 सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने रणनीतिक रूप से ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किए गए लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव और अन्नपूर्णा देवी को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है और वे संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास भी कर चुके हैं। और तो और पार्टी ने इन सीटों के लिए लोकसभा संयोजक और प्रभारी के साथ विस्तारक भी नियुक्त कर दिए हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी बीजेपी का यूपी की 14 सीटों को जीतने के लिए बनाया गया मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।